यदि कोई आपको ईर्ष्या या लड़ाई आदि के कारण मार रहा है या आप पर हमला कर रहा है, तो क्या आप चुपचाप सह लेते हैं? नहीं, आप अपनी रक्षा खुद करते हैं, है ना? अपने आत्मरक्षा में जवाबी हमला भी किया होगा, ये महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा आपका अधिकार है। आईपीसी की धारा 96 में कहा गया है कि आत्मरक्षा के अधिकार में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। जब सीसीटीवी फुटेज या रिकॉर्डिंग जैसे सबूतों की पुष्टि हो जाएगी तो आप सही साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी आपको मारता है या हमला करता है तो क्या होगा? आप पलटवार करके अपना बचाव करने के बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आईपीसी के धारा 96 पुलिस पर लागू नहीं होती। यदि आप आत्मरक्षा में किसी पुलिसकर्मी को मारते हैं तो अदालत में पुलिस ये कह सकती है कि उन्होंने आपको मारा क्योंकि आप गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। आत्मरक्षा में एक बार भी किसी पुलिस अधिकारी पर हमला करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकता है। अगर पुलिसकर्मी जानबूझकर आपको मारता है तो ऐसे मामलों में हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? इन चरणों पर विचार करें। स्थिति को और अधिक गंभीर होने से बचाने के लिए शांत रहे। यदि संभव हो तो मदद के लिए बुलाएं। सबूत के तौर पर घटना को मोबाइल या सीसीटीवी कैमरे या किसी अन्य माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। घटना की रिपोर्ट किसी उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को दें और सभी सबूत उपलब्ध कराएं। यदि आपकी शिकायत का पर्याप्त समाधान नहीं किया गया है तो इसे अदालत में ले जाने के लिए किसी वकील से परामर्श लें। याद रखें कि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कभी भी शारीरिक हिंसा का प्रयास ना करें क्योंकि उनके पास उनका समर्थन करने के लिए शक्ति और कानून है। आईपीसी की धारा 96 पुलिस को छोड़कर बाकी सभी के खिलाफ आत्मरक्षा पर लागू होती है। मैं आपको कानून के बारे में बताता हूँ। आपको आईपीसी की धारा 506 और धारा 323 के तहत आपराधिक धमकी और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है। याद रखें, अगर आप पर कोई पुलिसकर्मी हमला करता है तो इसे मोबाइल, सीसीटीवी या दोस्त के मोबाइल पर रिकॉर्ड करें और मदद के लिए किसी को बुलाए। किसी पुलिसकर्मी पर कभी भी शारीरिक हमला ना करें। किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अदालत में शिकायत करके कानूनी रास्ता अपनाएं। याद रखें।